हेलो गाइस, आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको शरीर में खून की कमी होने पर हम अपने शरीर में खून की कमी को कैसे पूरा करते हैं उसके बारे में मैं आपको आज संपूर्ण जानकारी दूंगा। वीडियो में अंत तक बने रहे। चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हमारे शरीर में खून की कमी होती है तो हमें थकान और कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत, बुखार के साथ कपकपी, त्वचा में सूखापन और सूजन, सिर दर्द होना, नींद नहीं आना, बेचैनी होना, चक्कर आना, उल्टी आना, इन सभी दिक्कतों का हमें सामना करना पड़ता है। शरीर में खून की कमी होने पर आपको अपनी डाइट में इन 8 चीज़ों को ज़रूर शामिल करना चाहिए। ये आहार आयरन से भरपूर है। नंबर 1, चुकंदर। शरीर में आयरन की कमी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा चुकंदर है। चुकंदर खाने से हीमोग्लोबिन बढ़ता है। खून की कमी होने पर चुकंदर खाने की सलाह दी जाती है। नंबर 2, पालक। पालक में भी भरपूर आयरन होता है। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर आप डाइट में पालक ज़रूर शामिल करें। पालक में कैल्शियम, सोडियम, खनिज, लवण, क्लोरीन, फास्फोरस और प्रोटीन जैसे तत्व होते हैं। नंबर 3, अनार। आयरन की कमी को दूर करने के लिए अनार भी अच्छा है। अनार का जूस पीने से एनीमिया जैसी बीमारियों से छुटकारा मिलता है। नंबर 4, तुलसी। तुलसी की पत्तियों से खून की कमी को कम किया जा सकता है। नियमित रूप से तुलसी की पत्तियां खाने से शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। नंबर 5, अंडा। अंडे में प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, आयरन और कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा अंडे में विटामिन डी भी होता है। अंडे में आयरन भरपूर मात्रा में होती है। नंबर 6, अमरूद। आयरन और विटामिन सी की कमी के लिए आप अपनी डाइट में अमरूद भी शामिल कर सकते हैं। कोशिश करें कि अमरूद अच्छी तरह से पका हुआ हो। नंबर 7, दालें और अनाज। साबुत अनाज और भरपूर मात्रा में दालें खाने से भी आयरन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इसमें हीमोग्लोबिन के स्तर बढ़ाने में मदद मिलती है। नंबर 8, फल और सब्जियाँ। हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप अपनी डाइट में हरी सब्जियां ज़रूर शामिल करें। हरी सब्जियों में आयरन काफ़ी मात्रा में होती है। आप लाल रंगों के फलों को भी अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आप इन सभी चीज़ों को डेली अपनी डाइट में शामिल करते हैं तो निश्चय ही आपके अंदर खून की कमी पूरी हो जाएगी। वो तभी संभव होगा अगर आप प्रतिदिन रोज़ इन सब का इस्तेमाल करते हो। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अपने डॉक्टर से भी सलाह ले सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।